She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. So this is the entrance. यहाँ से हम लोग सर दोस्तों की तरफ जाते हैं. And so sorry for my voice. मुझे बहुत cold हो रहा है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है. और ये स्टार्टिंग में ही विंटर्स है तो यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह सोल्ड आउट हो रही थी. और मतलब स्टार्टिंग से ही सब ने ऐसा कैंडी फ्लॉस लगाया हुआ था. एंड एज पर आप समझ सकते हो ना, जो भी कुछ मेले में मिलता है एवरीथिंग इज़ देयर. एंड ये जहाँ पे बहुत सारी लाइटें लगी हैं, ये प्रोग्राम देखने के लिए जो सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है वो है. एंड धीरे धीरे आगे जाते जाते भी मैं देख रही थी कि चारों तरफ मतलब काफ़ी बलून्स वगैरह, पॉपकॉर्न्स. एंड फॉर द सिक्योरिटी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी थी. एंड उसके साथ साथ आप आगे देख सकते हो लाइक लॉट्स ऑफ बलून्स अगेन. एंड ये सबसे ब्यूटीफुल लगता है राइट. एंड द कैंडी फ्लॉस एवरीवन्स फेवरेट. तो हम आगे बढ़ते गए और देख रहे थे कि चारों तरफ मेले में क्या क्या लगा हुआ है. एंड इस बार ज़्यादा शॉप्स वगैरह नहीं आई थी ड्यू टू दी कोविड रीजंस. और ये एक छोटा सा बच्चा बलून से खेलते हुए यहाँ पे, मतलब बच्चे तो बहुत खुश होते हैं फिल्म में. एंड ये फिर से कैंडी फ्लॉस, ज्वेलरी बहुत सारी. एंड सब ने कुछ ना कुछ स्टॉल लगाया था बाहर से आके. किसी ने आइसक्रीम का लगाया था, किसी ने ज्वेलरी का लगाया था. ये बहुत क्यूट सा बच्चा सोप बबल्स बनाते हुए. एंड बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हो रहा था कैमरे को देख के. ये मेरा स्टूडेंट है यूवी. एंड हम लोग मेरे भाई को ढूंढ रहे थे दोनों मिलके कि वो कहाँ है. एंड यहाँ पर भी कुछ लगाया था, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट मैंने सब कुछ कैप्चर करा, हर एक चीज़ जो भी मैं कर सकती थी आई डिड इट. उसके बाद ये भी बाहर से आए थे और इनने यहाँ पे बैंगल्स वगैरह लगाए थे और लोग खरीद भी रहे थे. एंड ये पोज देते हुए मेरे कैमरे को, और ये भैया भी दिखाने लग गए थे कैमरा देखते. उसके बाद ये एक और बच्चा है और ये भी कुछ चीज़ लेके वो कह रहा है. ये सब मेरे बच्चे हैं स्कूल के. एंड यहाँ पर भी लॉट्स ऑफ बलून्स. एंड दिस इज़ द पान. यहाँ पे पान शॉप भी इस बार बहुत लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा. एंड यहाँ पे बहुत काफ़ी भीड़ थी. एंड ये रहा मेरा भाई अपने फ्रेंड के साथ घूमते हुए. और इसको आगे भी इसके बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए थे, बट उसके बाद ये मेरे साथ आ गया और हम लोग रिकॉर्ड करने लग गए थे वीडियोस वगैरह. यहाँ पे काफ़ी फन एक्टिविटीज़ भी लगी थी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए. और ये रही जाइंट व्हील. एंड यहाँ पर भी मतलब मेरे भाई ने तो सारे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा करा, बट मैं नहीं जाती हूँ. सो आई वेंट टू द शॉप्स. ये बहुत सुंदर लग रहा था. जयपुरी एंड गुजराती प्रिंट के बैग्स वगैरह थे इधर काफ़ी, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे. और बहुत सारे बैग्स तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ से स्टार्ट थे. उसके साथ साथ ये बगल में कुछ टॉफ़ीज़ हैंडमेड और ये जो होते हैं ना एकदम चटपटी चीज़ें खाने वाली, वो लगी हुई थी. ये देखिए, जैसे ये मैंगो गोली है, ड्राइड इमली गोली, अनारदाना, लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स, सूखा हुआ पान. और ये भैया मुझे टेस्ट करने के लिए दे रहे थे हर एक चीज़. मैंने हर एक चीज़ टेस्ट करी, बट मुझे उतनी अच्छी लगी नहीं तो मैंने ली भी नहीं. और सबसे बड़ी बात, इसको खाने के बाद ना मेरा गला ख़राब हो गया था. एंड मुझे बहुत उसके बाद से, मतलब मेले में जाने के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो गया था और मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है एंड अभी भी है ही. और अगर आप जाते हैं ना मेले में तो प्लीज़ वेयर अ मास्क. और वैसे तो कोशिश करिए कि आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में ही जाए अगर आपको जाना है तो. वैसे मैं मेनली कभी प्रेफर नहीं करती हूँ मेला जाना. दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं गई बिकॉज ऑफ यू गाइस, कि मुझे दिखाना था कि यहाँ पे और क्या क्या होता है हर एक चीज़, यू नो आई वॉन्ट टू कैप्चर इट, तभी मैं गई थी. और यहाँ पे फिर से मुझे मिल गए थे मेरे स्टूडेंट्स और वो लोग भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे. एंड बोलते कि मैम हम आपका व्लॉग देखते हैं.
और ये देखिए इनकी मस्ती, दे गॉट अ डेविल हॉर्न्स और उसको लगा के पूरे मेले घूमे हैं लोग. यू नो दिस इज़ द कॉन्फिडेंस मैन, मतलब सीरियसली. और ये देखिए इन सबको, मतलब लिटरली बहुत क्यूट लग रहे थे, इज़न्ट इट. एंड ये था जाइंट व्हील. ये थे बहुत ही बड़े बड़े हैंडलूम के कारपेट्स जो कि बाहर से आए थे, और ये सब कुछ हैंडलूम्ड है, बिल्कुल मशीन का काम नहीं है. और ये थी वहाँ पे की रिंग्स जहाँ पे आप अपना नाम या फिर अपने पार्टनर का नाम डलवा सकते थे. और यहाँ पे थी बर्तन की दुकान और काफ़ी क्रॉकरीज वगैरह भी लगी थी, लाइक मग्स, प्लेट्स, ट्रेज, लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे थी. और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में थी जो कि हर एक मेले में होती है. एंड आप जैसे एक मग लेते हो तो दैट कॉस्ट यू अराउंड 60 rupees, एंड फॉर द ट्रेज दैट कॉस्ट यू अराउंड 100 rupees. यहाँ पे कुछ बेड शीट, बेड कवर्स, कर्टेंस की शॉप थी और ये लोग, ये भी बहुत रीजनेबल प्राइस में थी. उसके साथ साथ यहाँ पर भी सामने पे भी मग्स वगैरह, कप्स की शॉप थी, और ये सारे कप्स मोस्टली मुझे लगता है कि वहीं जनपद सरोजनी से लेके आए थे, बिकॉज दैट वॉज द सेम क्वालिटी यू कैन गेट इन बंजारा मार्केट. एंड सेम क्वालिटी थी, बट वहाँ पे क्या होता है ना, आपको चीपर रेट में मिल जाता है, यहाँ पे ज़्यादा में ये लोग लेके बेचते हैं. और ये लगे हैं सूट सेट्स, गरम सूट भी थे और कश्मीरी सूट, शॉल वगैरह. एंड ये थी बेड शीट, यहाँ भी कवर्स वगैरह, कुशन कवर्स, क्रॉकरीज, आसपास सब जगह ये लगा था. ये सॉफ्ट टॉयज़, ये सब 10-10 rupees के थे. एंड ये कुछ थी जयपुरी जूतियाँ और जो भी फुटवेयर रहता है जयपुर का वो था, बैग्स वगैरह. एंड ये मुझे सबसे सुंदर शॉप लगी, एज यू नो आई लव कारीगरी वाली चीज़ें, सो दीज ऑल आर लाइक दैट ओनली. सब वुडन का कारीगरी था जो कि बहुत सुंदर था. चीज़ें तो बहुत सुंदर थी, बट ये ही एक ऐसी शॉप थी जो कि बहुत एक्सपेंसिव रेट में बेच रहे थे. बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये बाहर से लेते हो लाइक फॉर लाइक बंजारा मार्केट, जनपद, तो वहाँ पे ना आपको ये मिरर 100 rupees का मिल जाएगा, यहाँ पे 1000 का था. ये थी नमकीन की शॉप जो कि बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट से बनी थी, जैसे कि रागी एंड और भी बहुत कुछ, और ये कुमाऊँ की स्पेशलिटी है. एंड अगेन आई मेट with my students, और वो एकदम से थोड़ा देख के मुझे नर्वस हो गए थे, बिकॉज स्टूडेंट्स टीचर्स को देख के बहुत नर्वस हो ही जाते हैं. एंड फिर हम ये आगे आगे जब चल रहे थे तो मैंने यहाँ पे देखा कि एक हैंडमेड की शॉप है जो कि हैंडमेड गुड्स सेल आउट कर रही हैं, और ये थी हमारी कुमाऊनी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था पिछौड़ा, उसको इनने एज अ पोटली बनाया है जो कि ब्राइड्स कैरी कर सकती है. और ये था होममेड सोप जो इन्हें खुद से बनाया हुआ था. तुम किसके हो? ये सोप है ये, और ये लिप बाम बनाया उसका. थैंक यू, बहुत अच्छा, वेरी क्रिएटिव. और ये फिर मेरे स्टूडेंट, वही सेम स्टूडेंट है मेरे कैमरे के लिए पोज करते हुए. एंड वी वेंट टू दी फूड कॉर्नर, और ये था भटूरा, बहुत बड़ा सा. आप लोगों ने छोले भटूरे ज़रूर खाए होंगे, बट भटूरा एंड हलवा नहीं खाया होगा. दिस इज़ द हलवा एंड दिस इज़ रियली यम, बट वी कैन से अनहेल्दी ऑल्सो. बट यार बाहर मेले में यू कैन फाइंड आउट दिस ओनली ना. उसके बाद उन्हीं अंकल ने बगल में तंदूर भी लगाया था जहाँ पे वो गरम गरम तंदूरी रोटी, बिरयानी और चिकन बना रहे थे. सो हमने ये तो नहीं खाया, बट वी हैड भटूरा एंड दैट हलवा, एंड दैट वाज रियली गुड. एंड वन प्लेस कॉस्ट अराउंड 60 rupees, एंड दैट वाज द प्रोसेस. ये खुले में बना रहे थे एंड द स्पीड वाज रियली गुड, एंड द भटूरा एंड द हलवा इज़ रियली गुड, एंड द क्वान्टिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड.
अकॉर्डिंग टू द प्राइस. और यहाँ पे ये इनका बिरयानी का कॉर्नर था एंड दिस वॉज दी पंडाल जहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे थे और सारे लोग प्रोग्राम वगैरह देखने के लिए बैठे भी थे और खड़े भी थे. एंड देन मैं भी यहाँ पे आ गई थी एंड देन आई वेंट टू दी VIP कॉर्नर क्योंकि वहाँ पे हमारी सिटिंग अरेंजमेंट करी गई थी. एंड देन मैंने थोड़ी देर बहुत सारे प्रोग्राम्स को इन्जॉय किया और मैं काफ़ी थक गई थी तो मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठी और उसके बाद मैं घर वापस चली गई थी. Enjoyed my video, then please do like, share, comment, subscribe and do share with your friends. See you in my next video. Bye-bye.